What is up everybody? I hope you all are doing great. मेरा नाम है किशोर और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 6 एनीमे यूअर मेन कैरेक्टर इज ओवर पावर्ड पार्ट 2। इससे पहले मैंने एक पार्ट 1 बना रखा है, अगर तुम लोग चाहो तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो जिसमें मैंने 6 ऐसे एनीमे के बारे में बात करी जहाँ पर मेन कैरेक्टर पावरफुल है। सो लास्ट वाले वीडियो में कई लोगों की कंप्लेन थी कि ब्रो ये एनीमे उतने अच्छे नहीं है। ब्रो ऐसी बात है कि मैंने कुछ एनीमे ऐसे लिए हैं, देखो उस वीडियो में सारे एनीमे ऐसे लिए थे जो बिल्कुल ही नए थे, कोई भी पुराने एनीमे को मेंशन नहीं करा था। इस बार मैंने सोचा कुछ डिफरेंट करते हैं और इस बार मैं कम से कम 3 से 4 पुराने एनीमे को भी मेंशन करूंगा और थोड़े बहुत नए एनीमे को भी मेंशन करूंगा ताकि जो पुराने लोग हैं उनको थोड़ा सा नया कंटेंट पुराना कंटेंट साथ में देखने को मिल जाए और जो नए लोग हैं उनको तो पूरा का पूरा वीडियो ही काम का रहेगा। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट है जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि एनीमे इंडिया के इस चैनल पे आपको अब से एक और नई आवाज भी सुनने को मिलने वाली है। मेरे अलावा एक और बंदा है जो कि इस चैनल पे अपनी आवाज देगा, हम दोनों साथ में मिलकर के वीडियोस को बनाएंगे, सुदेश फुटाने। अब आप नहीं जानते सुदेश फुटाने कौन है तो मैं बता दूं, ये एक प्रोफेशनल डबिंग आर्टिस्ट है जो कि डबिंग से रिलेटेड चीजों में अपना करियर बनाना चाहते हैं। मैं आपको इनकी कुछ क्लिप्स प्ले करके दिखाता हूँ, मुझे प्लीज बताना कि क्या इनकी क्लिप्स अच्छी है या नहीं। तुम्हारी कल्पना बहुत ही उम्दा है, खासकर इस खूबसूरत चेहरे के लिए। अगर इस गंभीर मामले में मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, ध्यान रहे तुम्हारे पास सबूत हो। तुम जैसी दिखती हो वैसी हो नहीं, तुम ज्यादा ही डायरेक्ट हो और 2 साल तक रुकना मतलब बहुत जिद्दी। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम एक मिडिल स्कूलर हो, सावधान हो जाओ, कैदी नंबर 21, 22 और 29 तुम्हारा ट्रांसफर किया जा रहा है और जेल के रूल के मुताबिक अपने हाथ सलाखों के बाहर रखो। तुमने बिल्कुल सही कहा, हमारे बातचीत के बारे में इस त्योहार के बाद जरा सोचना, लेकिन आज रात तुम चाहे उतना मजा कर लो। बल तुम्हारा कहना है कि तुम कम उम्र वाली मेजर नहीं हो, लेकिन ध्यान रहे इतना भी अच्छा बना रहना मतलब दुश्मन ज्यादा। ये तो बात हो गई कुछ नॉर्मल एनिमे की क्लिप्स की, अब बात करते हैं कुछ वन पीस की क्लिप्स की। भविष्यवाणी ये है तुम कल तक जिंदा रहोगे, वो भी सिर्फ 1%। जहां तक मुझे याद है मिलेनियल ड्रैगन्स पैदा होते हैं ना, मतलब अंडों से ही तो निकलते हैं, तो कोई ऐसा कैसे बन सकता है? यहाँ पर सिर्फ स्ट्रॉ हैट्स नहीं बल्कि यकीनन उडॉन के कैदी भी है। देखो ये तो इनकी आवाज है जो कि नॉर्मली डबिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं। अब हम वो आवाज को सुनेंगे जो आवाज हमारे इस चैनल के आगे के वीडियोस में आएंगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुदेश फुटाने और मैं हूँ एनीमे इंडिया की नई आवाज। जी हाँ, तो मैं और किशोर आपके लिए धमाकेदार एक्साइटिंग एनीमे वीडियोस लाते रहेंगे, स्टे ट्यून्ड। अब से ऐसा होगा कि सुदेश और हम दोनों मिलकर के वीडियोस को बनाएंगे, कभी उनका वीडियो आएगा कभी मेरा वीडियो आएगा और हम दोनों ही कोशिश करेंगे कि आप लोगों को इस चैनल पर क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड हो जिसको देख करके आप लोगों को बहुत ही मजा आए। सुदेश फुटाने इस वक्त में खुद का यूट्यूब चैनल बना के हैंडल कर रहे हैं, सो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उनके वीडियोस भी जाकर के देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में वहाँ पर उनके चैनल की लिंक होगी, जाकर के प्लीज उनको भी सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। नंबर 6, चार्लर। इस एनिमे के क्रिएटर वही है जिन्होंने एंजल बीस्ट और कैन जैसे एनिमे पर काम किया है। इस एनिमे की स्टोरी में हमारा मेन कैरेक्टर ह्यूए के पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है कि वो उस एबिलिटी से किसी और व्यक्ति के शरीर का फुल कंट्रोल ले लेता है फॉर अबाउट 5 सेकंड्स और इस एबिलिटी को यूज कर करके वो अपनी एग्जाम में मस्त चीटिंग करता है और उस चीटिंग कर करके वो अपने जो स्कोर्स होते हैं एग्जाम स्कोर्स उनको भी बहुत हाई कर लेता है और प्रेस्टीजियस स्कूल में खुद का एडमिशन भी करवा लेता है और वो इस स्किल को कई सालों से यूज कर रहा होता है। लेकिन कुछ टाइम बाद एक लड़की जिसका नाम होता है नाव तोमरी, वो उसको इस स्किल का यूज करते हुए पकड़ लेती है और उसके बाद उसको और उसकी सिस्टर को एक दूसरे ऐसे स्कूल में एडमिशन दिलवा देती है जहाँ पर
ऐसे ही लोग पढ़ते हैं जिनके पास स्पेशल पावर्स होती है। नाओ तोमोरी जो कि स्टूडेंट काउंसिल की एक मेंबर होती है, जिनका काम ये होता है कि ऐसे एबिलिटी यूजर्स को ढूंढना और उनका उनके स्कूल में एडमिशन करवाना या फिर उनके पावर्स उनसे छीन लेना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं तुमको आगे जरूर समझाऊंगा। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको नाओ तोमोरी फोर्स कर देती है कि स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन कर ले। और इस तरह हमारा मेन कैरेक्टर स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन तो कर लेता है, लेकिन अब धीरे धीरे सीमिंगली सीक्रेट्स पता चलने लग जाते हैं कि उसकी पावर्स के बारे में, उस स्कूल के बारे में, कि उसकी पावर्स क्या क्या कर सकती है, उसकी पावर कितनी ज्यादा ओवर पावर है एज कम्पेयर टू अदर पावर्स, और कैसे वो स्कूल एक्चुअली सिर्फ स्कूल नहीं है, बहुत सारी चीजें और भी है। इस एनिमे में तुमको टाइम ट्रैवल भी देखने मिलने वाला है आगे, और मैं मजाक नहीं करूंगा, 6th एपिसोड के बाद तुम सोचेंगे ये एनिमे क्या एनिमे था। सो आई होप तुम लोग ये एनिमे को जरूर जाकर के एक बार चेकआउट करोगे। सो अब आगे बढ़ते हैं नंबर 5 नरोगामी। ये एनिमे हमारे मेन कैरेक्टर के आसपास घूमता है जिसका नाम है गॉड यातो। यातो जो कि एक माइनर डीटी है और वो खुद को द डिलीवरी गॉड कहता है। उसका ड्रीम है हैविंग मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स विदाउट एनी श्राइन, लेकिन उसका जो गोल है ये रियलिटी से बहुत दूर पड़ता है। और वो उसके दिन ऐसे ही छोटे मोटे उल्टे सीधे काम करते हुए बिताता है, लेकिन अब उसका जो वेपन है वो उससे टायर्ड हो जाता है और अब वो उसके इस मास्टर को छोड़ना चाहता है। और एक दिन वो कर भी देता है, वो उसके इसके मास्टर को नया छोड़ भी देता है। अब इसके बाद से हमारी मेन स्टोरी स्टार्ट होती है। सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा होता है, लेकिन अचानक इसका फॉर्चून चेंज हो जाता है जब इसको ह्योरी नाम की एक लड़की एक्सीडेंट होने से बचा लेती है। दरअसल वैसे तो ये गॉड है, वो एक्सीडेंट से कुछ हो रहा नहीं होता है, लेकिन ह्योरी को ये बात थोड़ी ना पता होती है। इसके बाद ह्योरी की जो होती है वो सोल लूज होने लग जाती है उसकी बॉडी से, और कभी कभार उसकी सोल उसकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। इसके लिए ह्योरी गॉड यातो को ढूंढती है और उसे कहती है कि वो उसकी सोल को फिक्स कर दे। तो यातो भी इसके बदले कंडीशन रखता है कि वो उसको एक वेपन ढूंढ करके दे दे। और यहाँ से शुरू होती है इन दोनों की एक रिमार्केबल स्टोरी जो कि आप लोगों को देखने में बहुत मजा आने वाला है। ये स्टोरी बेस्ड ऑन अ कॉमेडी विद लॉट्स ऑफ एक्शन। उसके बाद हमको जाकर के आगे थोड़े वो डार्क सीक्रेट पता चलते हैं हमारे उस गॉड के बारे में। ये एनिमे में बहुत ज्यादा कॉमेडी है जो तुम लोगों को देखने में बहुत मजा आने वाला है। इस एनिमे का एनिमेशन भी बहुत ही अच्छा, चाहे ये एनिमे थोड़ा सा क्यों ना पुराना हो। सो ये एनिमे एक बार तो चेकआउट कर ही लेना। नंबर 4 अकासाकी रिकॉर्ड्स ऑफ बास्टर्ड मैजिक इंस्ट्रक्टर। अल्जुना एम्पायर वर्ल्ड में ऐसी जगह होती है जहां पर कि बेस्ट मैजिक स्कूल्स होते हैं, प्रेस्टीजियस मैजिक स्कूल, जिनका काम होता है नॉर्मल स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट मैजिशियंस बनाने का। सिस्टीन और उसकी फ्रेंड ये दो गर्ल्स होती है जो कि इस स्कूल को अटेंड करती है। इन दोनों की लाइफ एक दिन अपसाइड डाउन हो जाती है जब इनका जो फेवरेट टीचर है वो एकदम से रिटायर हो जाता है और इनके बदले ग्लेन रेडार नाम का जो व्यक्ति होता है वो उसको रिप्लेस करता है। ग्लेन रेडार हमारा मेन कैरेक्टर है जो कि इन लोगों का इंस्ट्रक्टर होता है। अब ये ऐसा वैसा कोई इंस्ट्रक्टर नहीं है, ये इतना आलसी है कि ज्यादा टाइम इस क्लास में बोल देता है कि आप खुद ही पढ़ लो, मुझे नहीं पढ़ाना। और उसके बाद अगर ये पढ़ाने भी बैठता है तो ऐसी मैजिक की थ्योरीज बताता है जो कि जिन लोगों को तो आती ही नहीं और ना ही इनको समझ में आती है। नॉर्मली ये कैरेक्टर फर्स्ट ग्लेंस से आपको एक लूजर कैरेक्टर दिखता है जिसको ना आगे से ना पीछे से कहीं पर भी कुछ भी नहीं आता है। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, दरअसल इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर की ऐसी बात है। नॉर्मली तो ऐसा नॉर्मल सड़ा सा कैरेक्टर दिखता है, लेकिन जब फाइटिंग के वक्त आती है तो ही इज काइंड ऑफ ओवरपावर्ड कैरेक्टर। इस एनिमे में जो आपको रोमांस देखने मिलने वाला, आई थिंक यू गोना लाइक इट। और मुझे सबसे अच्छी जो वाइफू दिखी वो थी इस एनिमे में ये। सो आपको अगर इस टाइप के एनिमे पसंद आते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा इस एनिमे को एक बार जाकर के बिल्कुल चेकआउट करें। नंबर 3 साइतामा। सो देखो अगर आपने अभी तक वन पंच मैन के बारे में नहीं सुना तो मैं नहीं कह सकता कि आपने अभी एनिमे जैसी कोई चीजों को भी ढंग से देखा है। दरअसल अगर आपने वन पंच मैन नहीं सुना तो मैं फिर भी बता देता हूँ, और अभी तक नहीं देखा तो मैं जरूर बोलूंगा कि एक बार तो चेकआउट कर ही लो। वन पंच मैन का मेन कैरेक्टर साइतामा स्टार्टिंग में एक नॉर्मल सा वीक कैरेक्टर होता है, लेकिन आफ्टर डूइंग 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स एंड 10 किलोमीटर रन एवरी डे वो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि कोई भी मॉन्स्टर उसके एक पंच के सामने टिक ही नहीं सकता। अगर वो सीरियसली एक पंच भी मारे तो सारे के सारे मॉन्स्टर ही खत्म हो जाते हैं। दरअसल वन पंच मैन के वर्ल्ड में मॉन्स्टर्स हीरोज को बताया गया है, जहाँ पे हीरोज जो कि अच्छे लोग हैं जो कि मॉन्स्टर्स को मारते हैं, और मॉन्स्टर वही बुरे लोग हैं जो कि सिविलियंस को मारना चाहते हैं या फिर हीरोज को मारना चाहते हैं। वही हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो एक हीरो होता है जस्ट फॉर फन। दरअसल वो इतना पावरफुल होता है कि इसके अगर वो हीरोज को भी एक एक पंच मारे तो भी वो मर जाए। इसलिए सीरीज का नाम है द वन पंच मैन। साइतामा जो कि ऑलरेडी इतना पावरफुल हो चुका है और वो अपनी लाइफ में पर्पस ढूंढने की कोशिश कर रहा है और ऐसे विलन्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है जो कि एक पंच से ज्यादा टिक पाए उसके सामने। इस एनिमे के अंदर आपको बहुत ज्यादा कॉमेडी देखने को मिलने वाली है और बहुत ज्यादा सीरियसनेस और इतनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स की आपको ये देख करके तो मजा ही आ जाएगा। सो अगर आप एक ऐसे एनिमे को देखना चाहते हैं जहां पे मेन कैरेक्टर के अलावा कोई भी पावरफुल ना हो, सो दिस इज ए एनिमे फॉर यू।
नंबर टू कोड गियास। 2010 में द होली एम्पायर ऑफ ब्रिटानिया अपने आप को वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स घोषित कर देता है और इस हिसाब से वर्ल्ड के कई सारे जगहों पर कब्जा भी कर लेता है। जापान उनमें से एक होता है जिसको कि वो लोग एरिया 11 नाम देते हैं। जापान जो कि एरिया 11 हो चुका है इस वक्त में द होली एम्पायर ऑफ ब्रिटानिया से लड़ रहा है एज ए रेबल्स। वो नहीं चाहते कि द होली लैंड ऑफ ब्रिटानिया का कब्जा जापान पे बना रहे। यही भी हमारा मेन कैरेक्टर लूज जो एक नॉर्मल ब्रिटानियन स्टूडेंट है वो क्रॉस फायर में फंस जाता है बिटवीन द होली लैंड ऑफ ब्रिटानिया सोल्जर्स एंड द रेबल्स ऑफ द एरिया 11। अब वो इस चीज में इतनी बुरी तरीके से फंस जाता है कि अगर वो इधर भी जाता तो मरता है, इधर भी जाता है तो मरता है। नहीं, सडनली एक चीज होती है उसके साथ में जो कि उसकी पूरी लाइफ को ही चेंज कर देती है। उसको एक सीसी नाम की एक सीमिली अजीब सी लड़की मिलती है जो कि उसको सुपर पावर देती है द पावर ऑफ किंग की। वो रियलाइज करता है उसकी नई पावर का पोटेंशियल और उसके बाद वो शुरू करता है रेबेलियन अगेंस्ट द होली एम्पायर ऑफ ब्रिटानिया। एक मास्क को पहनकर और खुद को कहता है द जीरो। वो ये सब करना चाहता है एक रिवेंज लेने के लिए और किस टाइप का रिवेंज वो लेना चाहता है ये आपको एनिमे में देख करके समझना होगा। इस एनिमे में 3 सीजन है। माँ कसम मैंने 3 दिन में तीनों के तीनों सीजन देख लिए थे, इतने एपिक थे। और ऐसे तो मैं कभी किसी एनिमे की मूवी नहीं देखता हूँ लेकिन इस एनिमे की मूवी भी देखी थी। इस एनिमे का हो सकता है आपको एनिमेशन पहली बारी में थोड़ा सा अजीब लगे, थोड़ा सा बेचीता लगे, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा इस एनिमे को देखने के लिए। थोड़े 1-2 एपिसोड देखने के बाद सही में आप लोगों को इसका एनिमेशन भी ठीक लगने लग जाए क्योंकि इसकी स्टोरी इतनी अच्छी है कि आप एनिमेशन को एक तरीके से ध्यान नहीं दोगे तो भी चलेगा। अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में। यहाँ पे हम बात करेंगे ओवरलॉर्ड के बारे में। ओवरलॉर्ड के ऑलरेडी 3 सीजन आ चुके हैं और 4th सीजन भी अनाउंस हो चुका है। दरअसल ओवरलॉर्ड में होता कुछ ऐसा है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक गेम एडिक्ट है जो कि गेम को खेलता है और आज गेम के सर्वर पूरी तरीके से बंद होने वाले और वो लास्ट पर्सन है जो कि उसके गेम के सर्वर में बैठा हुआ है और इंतजार कर रहा है उसके गेम के सर्वर के बंद होने का। गेम के सर्वर तो बंद हो जाते हैं लेकिन वो फाइंड करता है कि वो ऑफ नहीं हुआ है। दरअसल वो गेम से बाहर नहीं हुआ है लेकिन गेम के सर्वर तो ऑफ हो गए। उसकी कॉन्शियसनेस अब वो गेम के अंदर चली गई है। वो समझ नहीं पा रहा है कि उसके साथ हो क्या रहा है। तभी देखता है कि जो उसने कैरेक्टर्स क्रिएट करे थे, उसके जो सर्वेंट्स क्रिएट करे थे, वो अब अचानक बोल सकते हैं, वो उसकी कमांड भी मान सकते हैं। ये करने के बाद थोड़े दिन वो नॉर्मल रहता है। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो ऐसे ही दूसरे लोगों को ढूंढे जो कि उसी की तरह इस सर्वर में या फिर इस गेम में फंसे हुए हैं। वो आगे जाके उसके जो सर्वेंट्स है उसको आगे जाके भेजता है और देखता है कि क्या इस वर्ल्ड में हमारे अलावा भी कोई है। उसको पता चलता है कि इसके अलावा बहुत सारे एम्पायर्स है, बहुत सारे राज्य है, बहुत सारे किंगडम है यहाँ पर। दरअसल इस एनिमे का मेन कैरेक्टर स्टार्टिंग में कुछ ऐसी चीजों को कहता है जिसको सुनने के बाद इसके सर्वेंट्स उसको गलत समझ लेते हैं और सोचते हैं कि ये वर्ल्ड डोमिनेशन करना चाहता है और अब सारी प्लानिंग बन जाती है वर्ल्ड डोमिनेशन करने की। इसका मेन कैरेक्टर का कोई इरादा नहीं होता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, लेकिन धीरे धीरे करके पता चलता है कि मेन कैरेक्टर कितना इविल है उसके कैरेक्टर्स को लेकर के और उसके टेरिटरी को लेकर के। ये एनिमे में आपका जो मेन कैरेक्टर है वो एक्चुअली एक फकिंग डीमन लॉर्ड है जो कि वर्ल्ड पे कब्जा करना चाहता है। आप इस तरीके से स्टोरी को समझ सकते हो लेकिन एज अ डीमन लॉर्ड के पर्सपेक्टिव से। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर इतना ज्यादा पावरफुल है कि उस पूछो ही मत। ये अकेला बंदा पूरी की पूरी आर्मी से लड़ लेता है और इसके सर्वेंट तो अलग ही ज्यादा पावरफुल है। इतने ज्यादा पावरफुल कि अगर कोई इसके सामने आए तो उसको खड़ा भी नहीं होने देते। इस एनिमे की स्टोरी वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लगती है मुझे एक ओवर पावर्ड एनिमे के अंदर जहाँ पे सिर्फ आप ओवर पावर्ड नहीं हो। जैसे दूसरे एनिमेज में होता है कि आप सिर्फ ओवर पावर्ड हो, आपके पास पावर है और बस उसी के अराउंड पूरी स्टोरी चलती रहती है कि वो बस ओवर पावर्ड है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर ओवर पावर्ड जरूर है लेकिन वो हर एपिसोड में उसके पावर्स को यूज नहीं करता। यहाँ पे हमको डिफरेंट कैरेक्टर्स के बारे में बताया जाता है, वर्ल्ड बिल्डिंग के बारे में बताया जाता है। कुछ कैरेक्टर्स का कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, कुछ कैरेक्टर इसमें नए जुड़ते जाते हैं। और ये देखने के बाद मुझे लगा व्हाट इज दिस एनिमे, दिस इज सो गुड। सो अगर आप लोगों ने अभी तक ओवरलॉर्ड जैसे एनिमे को चेकआउट नहीं कराया तो मैं रेकमेंड करूंगा, प्लीज जाकर के इस एनिमे को एक बार चेकआउट जरूर करो। सो बस आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अभी तक अगर ना आपने सुदेश फुटाने को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सुदेश फुटाने को भी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के बाद उन्हीं का वीडियो आने वाला है जिसमें वो लाइव एक्शन के बारे में कुछ समझाने वाले हैं। सो आई होप आप लोग उस वीडियो को भी लाइक करोगे, इस वीडियो को भी लाइक करोगे और उनके चैनल को भी जाकर के एक बार तो चेकआउट जरूर करोगे। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।